Hey guys, what's up? Welcome back to the vlog. और guys, इस vlog की शुरुआत हो रही है सीधा सीधा एकदम पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ. और मस्त हम लोग वापस से रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं बाहर. और क्यों जा रहे हैं? तो बाहर जा रहे हैं तो कुछ काम से जा रहे होंगे. एट द सेंस मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, कोई बढ़िया जगह पे, अच्छी लोकेशन पे. धूप जा चुकी है तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से. रेडी हो चुके हैं, पानी ले लिया, दो चॉकलेट ले ली, रास्ते में भूख लगी, यही खा लिया. बाहर से कुछ नहीं खाएंगे फालतू. और भाई साहब मजा आएगा शाम को, क्योंकि काफ़ी दिन से वो चीज़ रेनोवेट हो रही थी और आज वो फाइनली शायद चेक किया कि ओपन है. तो अगर आज खुली मिलेगी तो फुल मज़े मारेंगे, फिर आपको दिखाएंगे बड़े क्या क्या चीज़ है. तो फट निकलते हैं यहाँ से. एलेक्स हमारा जैसे एज यूजुअल जैसे तैयार होते हैं, गेट बैठ जाता है, इसको लगता है कि इसको भी ले चलो. तो ज़्यादा बात कम करते हैं, फटाफट निकलते हैं. बैग लगा लिए, पानी ले लिया, चॉकलेट रेडी है. अपना ये अपना हम सफर साथी बैग बहुत सारा भाई है, इसको लेके जाओ नहीं, आराम टांग लो, पानी वानी सब स्टैंड सब ट्राईपॉड आराम से लेके टहलो, कोई टेंशन नहीं आता और बहुत सही चीज़ है. तो फटाफट निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में. गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पार्क. और मुझे जो पार्क जाना था यार, वाला पार्क में भी काम अभी भी चल रहा है, गूगल पे शो कर रहा है, बट वह काम अभी चल रहा है तो हम लोग जा नहीं पाए. तो हम लोग दूसरे पार्क आए हैं और ये वाला बाग है कंपनी बाग. तो चलते हैं कंपनी बाग के अंदर और देखते कैसे कैसा क्या क्या माहौल है. और हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से इसकी एंट्री होती है और एंट्री लोकेशन ही बहुत प्यारी है इनकी. ये क्या मस्त लाइट आ रही है सामने, क्या मस्त एंट्री लोकेशन है, वाह भाई. और ये बहुत बढ़िया पार्क है यार, कंपनी बाग बोलते हैं इसको. और दिखाते हैं पूरा वो कैसा है यार. ग्रीनरी बहुत है, बहुत प्यारा है यार. गाइस आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ जो टायर से बनी है, सिर्फ टायर से. इतनी सारी उन्होंने बना रखी स्टैचू, दिखाता हूँ आपको. ये चक्कर है गाइस, ये चक्कर है, ये सारी टायर से बनी है भाई, सारी टायर से. जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, सब कुछ टायर से बना है. मतलब इन्होंने टायर कितना अच्छा यूज़ किया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई साहब, लग रहा है जैसे टायर है यार ये. और पूरा टायर है ये, पूरा टायर, ये देखिए पूरा टायर से बना है पूरा. भाई क्या स्ट्रक्चर बनाया बंदे ने भाई, टोटली टायर, कमाल है भाई. मतलब अपना यूथ इस काम में अच्छा है कि हम लोग ये काम बड़े अच्छे कर रहे हैं फिलहाल. तो चलते हैं आगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अपने पास ऑप्शन हैं यहाँ भी. चलते चलते लग गए हम लोग को भूख, निकाली हम लोग चॉकलेट और चॉकलेट खा रहे हैं. देखिए साथ साथ हमारे कौन भी है, एक लोग और ऐड हो चुके चॉकलेट खाने के लिए. बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है. अरे चॉकलेट थोड़ी मीठी होती है ना, देना सही नहीं है इनको, बट लेकिन यार थोड़ा दे सकते हैं ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा दे देते हैं यार. इतने देख रहा है अच्छा लग रहा है, अकेले अकेले खा रहे हैं. उनको भी खाना है, लो अच्छा लो लो लो. ज़्यादा नहीं दिया, बस एक बाइट दे दिया यार. अच्छा लगता है, देख रहा है यार हम खा रहे हैं, वो देख रहा है, अच्छी बात नहीं है. मेरे से देखा नहीं आता कि सामने कुछ मैं खा रहा हूँ और सामने को देख रहा है, तो यार ये तो गलत बात है. दे दिया अपना, खुश हो गया. हम चलते अपना कंटिन्यू करते हैं. अब पूरा पार्क खाली है भाई, एक्सप्लोर करने फुल मज़ा आ रहा है. पूरा खाली है, पूरा कहीं से भरे, पूरा खाली है. गाइस ये देखिए बच्चे यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं. मैंने वो कहा था ना कि बच्चे स्केटिंग करते हैं, हम लोग भी करते थे छोटे में. ये देखिए गाइस क्या मस्त स्केटिंग कर रहा है बच्चा. ये चीज़ आता ना यहाँ पे स्केटिंग करते हैं, हम लोगों ने छोटे में खूब करी है, वैसे बच्चा स्केटिंग कर रहा है. जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये है ट्रैक रोड, मतलब कि साइकिल चलाने के लिए कितनी प्यारी रोड बना रखी है. ये चेक करें भाई साहब, साइकिल चलाने में अलग ही मज़ा आता भाई. यहाँ पे एकदम चिकनी रोड है, थोड़ी दबती भी है, तो एकदम नहीं लग रहा सॉफ्ट सॉफ्ट आप उस पर चला रहे कोई रबर पे, तो बड़ी मस्त साइकिल चलती है यार. भाई फाइनली यार मैं खतो खिलाड़ी में जा तो पाया नहीं, तो आपको खतो खिलाड़ी यहाँ पे करके दिखाता हूँ. तो ये है पेड़ और मैं ट्राई करूँगा इस पेड़ आपको चढ़ के दिखाऊँगा. मुझे चढ़ना आता नहीं है, बट मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट चढ़ के दिखा पाऊँ आपको. तो लेट्स स्टार्ट, देखते चढ़ पाए चढ़ पाते हैं. Hey guys, not possible यार, इतना इजी लग रहा इतना इजी है नहीं यार, बहुत टफ है. मेरा खत्तो खिलाड़ी का ऑडिशन कैंसिल होता है, मेरे बस की नहीं है भाई. इतना इजी लग रहा इतना इजी है नहीं भाई. देखो एक पेड़ और दिख चुका है तो ट्राई करता हूँ, ये तो चढ़ जाऊंगा. तो इजी है ना, ये तो पूरा एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो मुझे आई थिंक इसमें चढ़ना दिक्कत होनी चाहिए. वो थोड़ा ऊंचा था और थोड़ा बड़ा था, उसमें उसको चढ़ नहीं पा रहा था. तो आई थिंक ये तो इजी, इसको चढ़ जाएंगे. तो लेट्स ट्राई करते हैं, देखते कैसे कितना चढ़ पाते हैं, कितना पॉसिबल हो पाता है हम लोग के लिए. लेट्स ट्राई.
भाई ये भी इजी नहीं है यार, एक बार रनअप लेके आता हूँ एक बार। Yes, I can do it, man. I can do it. So, hey guys, what's up? कैसा लग रहा है आप लोग बताइए स्टैंड मेरा। बाकी आप बताइए एंगल कैसा लग रहा है। मैंने ये एंगल को ना बहुत एक पेड़ टूटा पड़ा हुआ है उसके बीच में कैमरा सेट किया है तो ये एंगल निकल के आ पा रहा है। मेरा मन था कि ना कि आके इससे रनिंग करके ऐसे जंप मारूं, बट लेकिन यार ये थोड़ी बहुत टहनी लगी ना रहेगी, फंस गई तो काम हो जाएगा, तो ये ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं। मेरा मन था स्टैंड करने का कि दौड़ के आऊँ और मैं इसको जब जंप मारूँ इसे गैप में, लेकिन मैंने कहा जरा सा कहीं ऊपर नीचे हो गया तो समझ गया ना क्या हो जाएगा। सो गाइस फाइनली यार थक हार के इतना टहल के अब जाके फ्री हुए तो आराम से बैठे हैं, बढ़िया सीट मिल गई है, थोड़ी देर बैठते हैं यहीं पार्क का व्यू इन्जॉय करते हैं। बढ़िया मौसम हो चुका है शाम का और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला होगा तो यहीं आराम से बढ़िया थोड़ी देर बैठते हैं। यार एक प्रॉब्लम हो चुकी है यार, जो मैंने पार्किंग में स्कूटी लगाई है और यार मुझे यार पार्क में तो यार होना नहीं चाहिए पार्किंग का पैसा लेना फालतू में, तो गवर्नमेंट पार्क है। अब यार मुझे पैसा मिल जाए तो पैसा देना पड़े, लेकिन उन्होंने बैरिकेड लगाए देना पड़ेगा, फालतू में 20-30 रुपये जाएंगे यार, पैसे वैसे भी आज कम है और पार्किंग के चक्कर में और कम हो जाएंगे। अब भैया पैसे तो है नहीं, अगर पैसे होते बढ़िया भी कहीं कुछ बढ़िया खा रहे होते, बर्गर कोल्ड ड्रिंक फ्रेंच फ्राइज, अब पैसे नहीं है मंथ एंड है तो भैया अपना ये पाल लीजिए, यही अपना आखिरी ऑप्शन है, अब इसी पर टिकाना है 5-6 दिन आखिरी महीने के। मिडिल क्लास जिंदगी बड़ी परेशानी, आप लोग भी खाएंगे? अब आप लोग कहाँ खाएंगे, आप लोग खाते हैं बर्गर वाले, हमारे किस्म में पाले जी हैं। ये गाइस मस्त खा पी लिया, अब निकलते हैं यहाँ से, मेरे को चलना है रेड 3 मॉल, दिखाता हूँ वो कैसा मॉल है। थोड़ा छोटा मॉल है, आपने देखा नहीं होगा, काफ़ी कम लोग जाते भी है वैसे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक ही शायद शोरूम है शॉपिंग के लिए कपड़ों के लिए, बाकी सब मसाज वगैरह और थोड़ा सा होम डाइनिंग वगैरह का सामान है, होम लग्जरी का, और मैकडी खुला है वहाँ पे और शायद पिज्जा, दो ही खाने के ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अब ये चक्कर है गाइस, ये है मेरा नया पेट कंगारू, कैसा लग रहा है बताइए आप लोग कमेंट में। सो गाइस पता नहीं यार अपनी जिंदगी में ये कब आएगा, ये जो बना है ये कब आएगा, हम लोग के लिए बना ही नहीं है क्या ये। हम लोग यहाँ पार्किंग स्कूटी निकाल लें और आगे पार्किंग वाले बैठे हैं, देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। फिलहाल ये लोग बैठे हैं वो रहे, आई थिंक चांद मुझे लगा शायद मना करेंगे। अच्छी कटिंग बताना चाहिए था ना, एंट्री लेकर आपको बताना चाहिए, हम बताएंगे आप बताएंगे ये चीज़, हम नहीं बताएंगे, आप गाड़ी लेके सीधा गए हो ना। हाँ लौट के तो आपको आना, हम तो यहाँ रास्ता लिखा सीधा निकल आने लिए, तुम बच गए यार, टिकट नहीं देना पड़ा, बच गए भाई। वो कह रहा टोकन दिखाओ, टोकन में लिया था नहीं, मैं पीछे निकल गया था तो हमने बच गया यार, नहीं देना पड़ा, बहुत खुशी हो रही, 20 रुपये बच गया यार, 20 रुपये। मेरे को लगा यार ले लेगा। वो कह रहा पर्ची दिखाओ, पर्ची कटवाई नहीं थी तो बिना पर्ची कैसे ले लोगे भाई साहब। यार आप जो सोचो वही होता है यार, मैंने सोचा था टिकट नहीं दूंगा तो नहीं दिया, मजा आ गया। गजब यार, बड़ी खुशी वाली, 20 रुपये बच गए भाई, 20 रुपये। अब बढ़िया 20 रुपये चाय भी लेंगे और क्या। गाइस वी आर इंटर नियर रे 3 मॉल, पार्किंग से हमने टिकट करवा ली है और चलते हैं अंदर मॉल के अंदर। ये यहाँ से एंट्री है मॉल की और ये यहाँ की पार्किंग है, इज द रे 3 मॉल, और देखते हैं कोई स्पेस ढूंढते हैं पार्क करते हैं स्कूटी। हमने एंट्री कर ली है रे 3 मॉल के अंदर और यहाँ तो पूरा रेनोवेशन चल रहा है यार, ये चेक करें तो पूरा टूटा पड़ा है, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर कैसा है। फिलहाल बाहर तो पूरा टूटा पड़ा है, अंदर चल के पता चलेगा कैसा क्या है, फिलहाल चलते हैं अंदर और जैसा भी होगा दिखाते हैं आपको। आप ये चेक करें हम लोग का मॉल के अंदर आते हैं मिलता है क्या है, ठेंगा, यहाँ पूरा रेनोवेशन काम चल रहा है यार। मैं आपको पूरा मॉल दिखाने वाला था कि कैसे है क्या है, यहाँ तो पूरा रेनोवेशन काम चल रहा है। आप पार्किंग देनी पड़ गई 30 रुपये, बताओ वहाँ 20 बचाए यहाँ 30 देने पड़ गए, यही होता है साला मिडिल क्लास वालों के साथ, जितना कोशिश करो बचाने की उतना ही खर्चा हो जाता है। क्या आपको दिखाएंगे, ये दिखाएंगे टूटा फूटा, यहाँ ये मॉल है ये टूटा फूटा बना हुआ, ये दिखाने के लिए हम लाए आपको। सॉरी गाइस यार मॉल तो खुला हुआ है, उसकी एंट्री कहीं और से थी, ये रहा पैंटलूस, चलते हैं अंदर कुछ ट्राई करते हैं हम लोग क्लोथ वगैरह देखते हैं, वो टी शर्ट्स वगैरह देख लेता हूँ। फिलहाल मैं तो सोच रहा था कुछ नहीं है बट है यार, सॉरी ले टी शर्ट देखते हैं पूरा कुछ दिखाते हैं पूरा क्या मस्त मजा आ रहा है, आइए हमारे साथ साथ आप लोग भी। मैं आप लोग से कह रहा था कि सोचा था मॉल बंद है बट उसका रास्ता लेफ्ट साइड से था तो मॉल ओपन था यार,
चलो खाने लिए ये तो हुआ कि आने का फायदा हुआ। मैं पैदल में इतनी गुस्सा आ रही हूँ, आप क्या दिखाऊंगा, रेनोवेशन हो रहा है ये दिखाने आया हूँ क्या। बट फाइनली मॉल ओपन है तो ये टी शर्ट लेके आया हूँ मैं, इसको ट्राई कर देता हूँ कैसी लग रही है, और अगर ठीक लगेगी तो देखते हैं जैसा भी होगा। गाइस हियर इट इज, बताइए कैसी लग रही है। काफी अच्छी लग रही है, फिटिंग भी अच्छी है और कलर भी बहुत प्यारा है। प्लेन टी शर्ट है और इसकी स्लीव्स भी सही है, तो वो ऐसी टी शर्ट अच्छी लगती है। अच्छा प्लेन नहीं, जितना आप सिंपल उतना अच्छा, एकदम कैजुअल लुक आता है, एकदम सेक्सी। गाइस यार मेरा दिल ललचा रहा है, शूज देखे इतने प्यारे प्यारे शूज है ना, दिखाता हूँ आपको यार, मन कर रहा सब एक उठा लूँ। ये चक्कर गाइस, क्या कलेक्शन है यार शूज का, क्या बढ़िया, मन कर रहा है यार कोई एक ले लूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, थोड़ा ग्रीन और नहीं थोड़ा वाइट मिक्स यार, बस ऑलरेडी मैंने एक ले लिया, मैंने यही ले लेता। गाइस टी शर्ट का प्राइस देख के दिमाग हो गया पागल, हिल गया भाई। निकल गए हम लोग बाहर मॉल से, और यहाँ से एंट्री हो रही थी मॉल की, हम लोग आगे तरफ चले गए थे, वहां से बंद कर रखा है, यहाँ से इन्होंने एंट्री स्टार्ट कर रखी है, और यहाँ से भी तो अभी काम चल ही रहा है। चलो फाइनली घूम लिया उन्होंने, टी शर्ट देख ली, शूज मेरे को बहुत अच्छे लगे यार, अगर वो एक बार साइज़ होता तो मम्मी से जुगाड़ करके मैं रिक्वेस्ट करके पैसे उनसे लेके भाई ले लेता, बट साइज ही नहीं था। एक शूज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को, बट कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, बहुत रात हो गई, निकलते हैं भाई साहब, बहुत काम करना है अभी, फ्रूट्स लेने हैं और दो तीन चीज़ें और लेनी है, तो मिलते हैं आपको सीधा स्कूटी पे। सो गाइस हियर इट इज, सो मच ट्रैफिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग इस टाइम VIP रोड पे, यार बहुत ट्रैफिक हो रहा है इधर तो यार। सो गाइस ये चक्कर, जैसे मैं घर पहुंचा, घर पहुंचते कौन कौन आ गया, ये चक्कर है, घर पहुंचे नहीं कि एलेक्स गैंग इज हियर, एलेक्स हमारा ये, हाँ एलेक्स, एलेक्स कहाँ है, ये रहे, ये रहे, हाँ अभी आ रहे, अभी आ रहे। सो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, घर पहुंचते हमारे एलेक्स जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हम लोग बस कपड़े वड़े उतारते हैं, चेंज करते हैं, फटाफट नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। एलेक्स बाहर से सन के आए धूल में, अब भूख लगी है इसको, खाना भी खिलाना है, अब परेशान है, तो फटाफट हम नहाने के बाद मिलते हैं आपको आराम से। फाइनली यार नहा आके एकदम बढ़िया हो चुके हैं, खाना निकाल लिया, पहले खाना खा लेते हैं। ये मैंने मस्त एकदम कलार दिया है अच्छे से, प्याज टमाटर बढ़िया एकदम सब्जी, ये चटनी रोटी और दाल भी रखी, पर दाल खाने मेरा मूड है नहीं, यही खा लेते हैं, ज़्यादा भारी नहीं खाएंगे, कुछ मन ऐसे कर नहीं रहा था, थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने कहा खा लेते हैं, तो फटाफट निपटाते हैं फिर मिलते हैं आपको। फाइनली गाइस मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ, खाना वाना बढ़िया समस्त खा लिया, जस्ट अभी आके बैठा हूँ, अभी छत पे गया थोड़ी देर वॉक करके आया, और अब काम करते हैं अपना स्टार्ट, एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और आज दिन तो बड़ा अच्छा ही रहा यार, आज बढ़िया बाहर गए, जैसे दिखाया मैंने आपको अच्छे पार्क ले गया मैं घुमाने के लिए, बाकी आपको मॉल ले गया, आज तो यार मॉल वालों ने हम लोग साथ प्लान कर दिया कि सामने दिखाया कुछ और अंदर कुछ और, जैसे लगा था ना पूरा हम लोग देख दिखा था कि पूरा सामने कुछ नहीं है, लगा टूट रहा है, काम चल रहा है, और साइड में अंदर ओपन भी था, वो तो किस्मत से मैं देख लेके कॉर्नर में एकदम छोटा सा लिखा हुआ था कि लेफ्ट साइड से रास्ता जा रहा है, वरना तो हम लोग को पोपट हो गया था हम लोग का आज, तो सुन लीजिए आज मॉल वाले हम लोग साथ प्रैंक कर गए, लेकिन बढ़िया दिन था आज का यार। चलिए यार काम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है इस ब्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको आज ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।